जैसा एक वाले चाहते हैं ना कि उनका बेटा हो, जरूरत पूरी करे, फैमिली को सपोर्ट करे, मैं बिल्कुल वैसा कर रहा था। लेकिन जब पता चला ना, बैन हुई, एकदम लाइक होश उड़ गए कि अब क्या बनेगा। सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार पबजी अभी भी बैन ही है, मतलब इतनी रिक्वेस्टें आप लोगों को हुकूमत को जा चुकी है, इतनी रिक्वेस्टें जा चुकी है, इतनी मेल जा चुकी है, इतने ट्विटर जा चुके हैं, मतलब हैशटैग नंबर वन पे हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारी हुकूमत ऐसी है कि भैया जी मतलब कुछ करना ही नहीं है। सीधी सी बात है, मतलब जितना हो सकता है मामले को खींचना है, लंबा करना है करिए हो, मतलब अगले का करियर बर्बाद करना है करिए हो। देखो यार इशू ये है कि बच्चे ख़राब हो रहे हैं, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चों का, 12-13 साल के बच्चे जो हैं वो लगातार खेली जा रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले देखो यार, अगर आप पबजी डाउनलोड कर रहे हो या किसी माँ बाप का वो मोबाइल लेके पबजी डाउनलोड कर रहे हो, तो यार देखो वो 16+ गेम है यार, मतलब आप लोग 13 से 14-15 साल के बच्चे को पबजी दे रहे हो, पढ़ तो लो यार, वो 16+ गेम है। ठीक है, हुकूमत भी नहीं सोचती हमारी कि यार 16+ गेम है, तो यार 10 से लेकर 15 साल के बच्चे क्यों खेल रहे हैं, मतलब माँ बाप को चाहिए यार क्यों खेल रहे हैं यार, पढ़ तो लो, उसकी पॉलिसी तो पढ़ लो। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ये है भाई साहब, भाई साहब बैन कराओ, मतलब जिस चीज़ का हल नहीं है ना उसको बैन कर दो, मतलब हटा ही दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसकी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो भाई, ख़त्म कर दो। तो यार इस टाइम जो ना मेन बंदा है ना जो पाकिस्तानी गेमिंग कम्युनिटी को बचाने के लिए जो सामने आया हुआ है वो है वकार ज़क्का। मतलब यार सलाम है इस भाई को जो सबको इकट्ठा कर रहा है। रात को मैंने भाई साहब की लाइव स्ट्रीमिंग दे रहा था, देख रहा था, यार उसने सारे यूट्यूबर्स को इकट्ठा किया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, डक्की हो गया, स्टार एनोनिमस हो गया, डॉक्टर पिकाचू हो गया, अहमद गेमिंग हो गया, MRJ प्ले हो गया, मेडिक होगी, मतलब ये सारों को इकट्ठा करके ना उनसे राय ले रहा है यार क्या हो रहा है। तो वो उस भाई साहब को पता चला यार ये वाकई बहुत बड़ी कम्युनिटी है यार गेमिंग, इसको बचाना अब तो फ़र्ज़ हो गया है। तो यार वो बंदा सोच सकता है यार हमारी हुकूमत क्यों नहीं सोच रही यार। तो यार मैं आप लोगों की इनकी थोड़ी सी बातें गुफ्तगू दिखाता हूँ या इनकी फीलिंग्स दिखाता हूँ जो उनके लिए मतलब पबजी बैन हुई है तो उन पर क्या असर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार अनोनिमस का देखते हैं क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा पाकिस्तान में पबजी चैनल है, मतलब मेन जो पबजी चैनल है स्टार अनोनिमस का, सबसे पहले इसका सुनते हैं मतलब इसने कैसे शुरू किया और अभी इसके क्या हालात हैं। ठीक है, सुना है काफ़ी शाये हैं आप, तो मैंने कहा इतना ज़्यादा कैमरे के ऊपर नहीं आए, लेकिन थोड़ा सा बताना शुरू करें कि आप क्या करते हैं और कितने पैसे बनाते हैं ताकि दुनिया को पता चले। मुझे तो पता है लेकिन दुनिया को पता चले आप कहाँ स्टैंड करते हैं पबजी में और पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये पबजी के बैन होने से। अरे भाई कुछ ऐसा सीन है, सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम जी भाई, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा कुछ ऐसा सीन है कि मैं स्टडी करा काफ़ी पहले स्टडी छोड़ दी थी और जब मैं इस फील्ड में आया तो उस टाइम इतना कुछ नहीं था, हाइप नहीं थी यूट्यूब की गेमिंग की, तो मैं वीडियोस बनाना पोस्ट करना शुरू की। फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी, उनको था ये क्या कर रहा है, लाइक रिश्तेदार जो है आपको पता है पाकिस्तानी रिश्तेदार वर्ल्ड फेमस है, वो मजाक उड़ाते थे घर वालों को आके बोलते थे ये आपका बेटा क्या कर रहा है। लेकिन मेहनत की और पबजी एक ऐसी गेम थी जो लाइक वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही थी, पाकिस्तान में बहुत बाद में आई, बाकी कंट्रीज में पहले थी, तो मैं हार्डवर्क शुरू किया और ऐसा टाइम आया कि आज मैं बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा था अपनी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह। कि जैसा एक वालिद चाहते हैं ना कि उनका बेटा हो, जरूरत पूरी करे, फैमिली को सपोर्ट करे, मैं बिल्कुल वैसा कर रहा था। लेकिन जब पता चला ना बैन हुई, एकदम लाइक होश उड़ गए कि अब क्या बनेगा। तो यार वाकई होश उड़ना तो बनते ही हैं, सबके होश उड़े हैं, मतलब जिन्होंने इतने इतने पैसे लगाए हुए हैं स्किन्स के लिए, मतलब उस पर जो पबजी में स्किन्स मिलती है उस पर इतना ना पैसा खर्च होता है, एक एक गन पर 10-10 हज़ार UC खर्च हो जाती है, तो जब बैन हुई है तो उनका क्या हालात हुए होंगे। तो चलिए खैर नेक्स्ट देखते हैं, अहमद गेमिंग भाई का देखते हैं क्योंकि वो भी यार बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि जब पबजी सुना था ना कि बैन हो रही है तो सबसे पहले अहमद भाई ने जाके सीधा ही केस कर दिया, मतलब पिटीशन दायर कर दी कि ये बैन नहीं होनी चाहिए। ठीक था जी, बताइए किस तरह कोर्ट में जा रहे हैं, क्या सिलसिला है। जी बिल्कुल वगार भाई, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली शायद आपको मैंने कल भी मैसेज भेजा था, आपने रीड नहीं किया और कई लोगों को पता है ये, ठीक जो बैन का मुद्दा है ये वगार भाई आज से 1 मंथ पहले स्टार्ट हुआ, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ और 15 दिन पहले एक भाई साहब है उन्होंने ये मुद्दा लाहौर हाईकोर्ट में भेजा एक एडवोकेट के थ्रू। उन्होंने कहा कि जी मेरा कोई कजन वगैरह खेल रहा था गेम तो मैंने उसको देखा, इट्स जस्ट अ टाइम ऑफ वेस्ट। वो पता चला जब उन्होंने केस किया उसके ठीक 3 दिन बाद मैं भी लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गया था। नहीं वकार भाई, सुसाइड वाला अभी स्टार्ट हुआ है 10 दिन पहले, मैं उसके ठीक 3 दिन बाद आई वॉज इन हाईकोर्ट, मैं पहुंच चुका था, मैंने अपना लायर करवाया, मैंने वीडियो भी उसकी अपलोड की और हमने इसकी पिटीशन भी हमने इसकी पिटीशन भी दायर करवा दी। अब एक्चुअली हुआ ये कि मीडिया के ऊपर बात नहीं थी ये आई,
एक निजी टीवी चैनल ने क्या किया कि उनका इंटरव्यू किया और एक बच्चे को बिठा के एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू, और उसमें उस बच्चे को उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो बच्चा पबजी गेम खेल रहा है इसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू है, या ये कोई एक पबजी का जो प्लेयर है ना ये थोड़ा सा इसका कोई फॉल्ट है, ये पागल सा लग रहा है। इवन के इंटरव्यू करने वाले ने भी रिप्रेजेंट करवाया कि मुझे आपकी गुफ्तगू और आपसे ना डर लग रहा है थोड़ा सा ना। ये एक निजी टीवी चैनल यूट्यूब पे चैनल है, डेली पाकिस्तान चैनल है, और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये पबजी का बड़ा फेमस प्लेयर है, जबकि उसी वीडियो के अंदर उन्होंने अपनी दुकान चमकाने के लिए गलती कर दी, पबजी प्लेयर जो दिखाया है उसकी लेवल 1 की आईडी है। विकार भाई यार ये देखो अहमद भाई ने बिल्कुल सच कहा है, हमारे पाकिस्तानी ऐसे बंदे हैं जो चाहते ही नहीं यार पाकिस्तान तरक्की करे, मतलब पाकिस्तान गेमिंग कम्युनिटी में आगे जाए। यार ये वाकई ये फेक स्क्रिप्टेड हर चीज़ स्क्रिप्टेड करते हैं पाकिस्तान को नीचे लाने के लिए। अब यार लेवल 1 की आईडी लेकर आओ कि यार इनकी पबजी प्लेयरों को पता ही नहीं चलेगा यार ये बंदा प्लेयर है, मतलब ये खेल रहा है कितने अरसे से खेल रहा है, हर चीज़ यार पबजी में वैसे ही समझ आ जाती है यार ये बंदा ठीक खेल पाता है कि नहीं खेल पाता। मतलब यार अब स्क्रिप्टेड शो करोगे तो ऐसे पकड़े जाओगे, मतलब खुदा के लिए मत करो यार, ठीक है। एवं सबका आगे दिमाग घुमा हुआ है, एवं यार तुम लोग पागलों वाले काम मत करो, ये निजी चैनल वाले जो भी हैं यार। अब भाई साहब ने नाम तो ले लिया, अब खुद ही जाकर उनसे पूछ सकते हैं, अब हमारी वाम पूछ सकती है। तो चलिए खैर नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर पिकाचू का देखते हैं वो क्या कहती हैं। हाँ जी, मैंने भी स्टार टिकटॉक से लिया था, मेरी भी मतलब वहाँ पे है 4 लाख समथिंग फॉलोइंग। अच्छा, कि आपने पबजी के थ्रू कितने पैसे कमाती थी, कहाँ से आपका ताल्लुक है और कितने घंटे आप खेलती हैं? मैं लाहौर से हूँ और पबजी से अभी एज सच मेरी इतनी अर्निंग नहीं है, बिकॉज मैं एक डेंटिस्ट और स्टूडेंट हूँ अभी थर्ड ईयर बीडीएस। तो मैं लेकिन पबजी इस तरह होता था जैसे मैं एक हेक्टिक डे होता था, स्टडीज़ कर ली, पढ़ लिया, देन उसे फ्री होके लाइक 9 to 12 में खेल लेती होती थी गेम, 2-3 आवर्स ही खेलती थी, बट ये है कि मैं इंजॉय करती थी एंड बड़ी अच्छी गेम थी, आप फ़ोन पे आराम से इजीली खेल सकते हो, मतलब उसके लिए आपको कोई लैपटॉप या गेमिंग पीसी नहीं चाहिए। नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कहते थे, बिकॉज दे नो के बच्चे रिस्पॉन्सिबल है, अपना पढ़ती है, पढ़ने के बाद गेम खेलती है, तो उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। तो अभी अभी जो है कि कुछ जो आपकी इनकम है उस पे भी असर पड़ेगा इससे? बेसिकली मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे अभी, लेकिन जब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट डिवेलप होना स्टार्ट हुआ और जब मैंने सोचा कि अब इसको मैं कंटिन्यू करूँगी, तो उस टाइम में इन्होंने पबजी को बैन कर दिया। इतनी मेहनत मैंने स्टडीज के साथ साथ इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, और उसके बाद जब एकदम से पबजी बैन हुई तो वो वाकई बहुत मैं खुद भी डिसहार्ट हो गई, और अभी तक मुझे वो मतलब यकीन नहीं आ रहा कि वाकई इन्होंने इस तरह का इतना मतलब अजीब सा डिसीजन लिया। यार देखो पाकिस्तान में मतलब हमारे जो कल्चर है ज़्यादातर लोग लड़के ही गेमिंग खेलते हैं, ठीक है, लेकिन ये पबजी वाहिद गेम है जिसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा लड़कियां आगे आ चुकी हैं, ठीक है। अक्सर यार हम इधर पूरा स्क्वाड आते हैं, हम फाइट लेते हैं, लास्ट सर्कल में जाकर लड़कियां मतलब पूरा लड़कियों का स्क्वाड आया होता है, और इतनी इतनी प्रो प्लेयर होती हैं यार हमें मार देती हैं। मतलब यार अब ये देखो ये डॉक्टर पिकाचू ये भी काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है, ठीक है, काफ़ी फैन फॉलोइंग इसकी भी हो चुकी है, काफ़ी जल्दी तरक्की की इसने भी, ठीक है। तो यार मतलब इसको भी है, मतलब सबको यार दुख है, तो आप लोग ये भी समझ सकते हो यार मतलब क्या हालात। तो यार मैं नेक्स्ट आपका मैसेलेस मेडी का ओपिनियन दिखाता हूँ, वो भी पाकिस्तानी गर्ल्स गेमर है, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छी गेमर है, तो उसका भी देखें वो क्या कहती हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है वकार भाई आपका? जी ठीक ठाक, थोड़ा इंट्रोडक्शन सबको बता दें। मेरा गेमिंग चैनल है मर्सिलेस मेडिक के नाम से, और मैंने 1 साल हुआ तकरीबन अपना चैनल रन करना स्टार्ट किया, और आप लोग को जैसे कि मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए इस वजह से यहाँ पर आई हूँ कि लड़कियों को इस तरीके से प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलते हैं हमारी जैसी सोसाइटी में। जिस तरह मैं स्ट्रगल कर इस प्लेटफॉर्म तक पहुँची हूँ, ये मैं जानती हूँ कि बैकएंड स्टोरी क्या है, और इतनी मेहनत करने के बाद जब आप एक अर्निंग स्टार्ट करते हो, जब अपनी फैमिली को आप प्रूव कर देते हो कि यार वाकई में आप कुछ कर रहे हो, और उस पर ये पबजी बैन कर दिया, इस चीज़ की बड़ी हम लोग बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई कि यार बताए बगैर, मतलब बंदा पहले पूछता तो है तो फिर जाके बैन करते, इन्होंने बगैर बताए पहले बैन कर दिया, आप पूछ रहे हैं हाँ जी इसके बारे में क्या राय है। मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि मुझ जैसी लड़कियाँ जो आगे इस प्लेटफॉर्म पे, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तब पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा लड़कियाँ नहीं थी, मुझे देखा देखी और बहुत सी लड़कियाँ इस प्लेटफॉर्म पर आगे आ रही हैं। तो वो यार मतलब एक गेम में इतनी स्किल्स बढ़ाने के बाद जब आपको पता चलता है यार ये चीज़ बैन हो चुकी है, मतलब आपके तो होश ही उड़ेंगे ना।
यार हुकूमत को चाहिए कि यार जल्दी जल्दी अनबैन करे ताकि आपकी जो यूथ है, कम्युनिटी है, दोबारा से आपके साथ दे, क्योंकि आपने 2 साल बाद इन्हीं से वोट मांगने हैं भाई। आप ही सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं भैया जी यूथ है तो हमारी सब कुछ है, पाकिस्तान में सब कुछ, नौजवान नस्ल नहीं करना है, आगे ये करना है। जब आप नौजवान नस्लों की चीज़ें ही बैन कर रहे हो, मतलब ऐसी चीज़ जिसका आपसे ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है यार आपको बैन है या ना बैन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी कम्युनिटी को फ़र्क पड़ता है। तो यार जल्दी से जल्दी अनबैन करें। तो यार मैं लास्ट में दिखाता हूँ, वकार भाई खुद हैरान हो गए, मतलब इतनी बड़ी कम्युनिटी देखकर, यार इतनी बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान में, गेमिंग कम्युनिटी इतनी बड़ी है, तो वो खुद डकी भाई से क्या गुफ्तगू करते हैं, देखिए जरा। अच्छा साहब मुझे ये बताओ कि ये इस पूरे सिनेरियो में ये तो काफी सारी बड़ी कम्युनिटी है यार, और बड़ी बड़ी कम्युनिटी का नुकसान जो है ये होते हुए नजर अभी है। ये क्या नाम है, अभी तो काफी लोग मिसिंग है, टिकटॉक से क्रिएटर्स हैं, मतलब सारे यूट्यूब पे नहीं है, कुछ टिकटॉक पे हैं, फेसबुक पे लोग स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग स्ट्रीमिंग नहीं करते, सिर्फ प्रोफेशनली खेलते हैं। तो यार हुकूमत को चाहिए भाई साहब ये जल्दी से जल्दी, मतलब 4 दिन हैं, मतलब 4 दिन से पहले यार अनबैन कर दो यार, अच्छा है यार, अभी नहीं तो 9 तारीख के बाद और ही ज़्यादा फड्डा हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी, ठीक है। तो यार जल्दी से जल्दी अनबैन करो, करना भी चाहिए अनबैन को, ठीक है। तो यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट है ना भाई साहब, ठीक है। तो रात को आएगी आप लोगों की गेम प्ले आएगी, ठीक है, जोंग से चल रही है, तो मैंने कहा यार गेम प्ले रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा गेम प्ले था वो, आपको मैं शाम को दिखा दूंगा, क्योंकि 3-4 दिन से गेम प्ले तो खेला नहीं था, वैसे थोड़ी बहुत गेम ख़राब हो चुकी है, तो वो अपलोड करूँगा। चिकन डिनर था, मज़ा आया था यार, मतलब थोड़ी बहुत ही, मतलब होता है ना यानी जो पहले पिंग आती होती थी 160, उसी वही पिंग आ रही थी, चलो हम वो आदी हो चुके थे, मतलब उस टाइम ज़माने में खेलते जब पिंग, अभी तो मेरे ख्याल से ग्रीन पिंग थी, 60-70 आती थी। तो चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अपना ख्याल रखिएगा और सपोर्ट करते रहिए पाकिस्तानी गेमिंग कम्युनिटी को, और #1 होना चाहिए, मतलब अनबैन पबजी और सेफ़ ई स्पोर्ट गेमिंग। तो अल्लाह हाफिज़।